तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, तो काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे वीडियो नहीं आ रही थी, तो प्रॉब्लम थी यार, कुछ मैं काम में कुछ बिजी था जिसके कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। और मुझे अपडेट भी देना था, जो कि मैंने हैंडल राइजर लगाई थी बाइक में, तो उसका मुझे अपडेट देना था। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो देखो, हैंडल राइजर लगाने के बाद मैंने ऑलमोस्ट बाइक 1000 किलोमीटर चला दिया है, और ये 1000 चलाने के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। और जो लोग बोलते हैं इसमें फोक लीकेज है, जो आपका USD फोक लीकेज हो जाती है, तो मुझे कोई फोक लीकेज नहीं है यार, ये सब रूमर्स फैला के रखे हुए हैं। आप लोग ले सकते हो यार, आप लो V4 में लगाओ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ। देख लो, मैं आपको सीटिंग पोस्चर दिखाता हूँ। ये देख लो, सीटिंग पोस्चर देख लो पहले। ये देखो सीटिंग पोस्चर, पहले से और अभी में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया इसमें। और इसको आप लेकर लॉन्ग राइड जा सकते हो। अभिषेक भाई यहाँ पे दिखाइए, तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे कहीं भी टच नहीं होती है हैंडल बार, इधर में भी नहीं, इधर में भी नहीं। और इंस्टॉल करने के बाद ना यहाँ पे ये वाला हल्का सा टच होगा, तो इसको क्या करना है ना, थोड़ा सा नीचे कर देना, थोड़ा सा मतलब हाफ इंच, तो ये परफेक्टली आपको फिट हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे मास्टर सिलेंडर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वील डू इट लेटर ऑन। और क्या कहने भाई, यहाँ दिखाइए, सबका बोलने का है बस फोक लीकेज है। देख लो यहाँ पे कहाँ कोई फोक लीकेज है यार। आप लोग इसे विली करोगे और स्टॉप ही मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है लीकेज होगी भाई। और मेरे अगर मैंने विली मारी होती तो मेरी भी USD फोक जो है वो लीकेज होती। बाकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन बाद मैंने बाइक निकाली है, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद, जिसके कारण अभी एयर प्रेशर कम है। और अभी तक माइलेज की बात करें ना गाइज, माइलेज हमको 48 के आसपास मिल जाती है माइलेज। थोड़ी सी देखो, अगर आप लोग कंफर्ट देखोगे तो और लुक नहीं मिलने वाली है, बता दे रहा हूँ। अगर लुक चाहिए तो थोड़ा सा कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैं जैसे कि यहाँ पे पिलियन बैठता था, पिलियन के बारे में बताता हूँ, मेरे साथ अगर अभी पिलियन बैठेगा ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको कंफर्टेबल लगेगी। अगर मैं दिखा दे तो, अगर कोशिश करता हूँ दिखाने का अभिषेक भाई को बैठा के, कैमरा को रखते यहाँ पे, क्या अभिषेक भाई? यहाँ पे कैमरा रखते हैं और देखते हैं कहीं पिलियन के साथ तो नहीं, दिखाना ज़रूरी है, ऑडियंस को दिखाना ज़रूरी है। बैठिए बैठिए। तो पहले ऐसे इतना पर हम लोग इतना झुक जाते, तो पिलियन को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा गाइस? यहाँ पे देख लो अभी है, तो पिलियन को यहाँ पे यहीं पकड़ने का है। अगर स्पीड भी ज़्यादा करेंगे तो उसको यहाँ इस पर हाथ रखने तो आप लोग देंगे तो। और मैं क्या दिखाऊँ यार आप लोगों को, और क्या दिखाऊँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रही है यहाँ पे, अभी सुबह का 6:30 बज रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीन है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये हम लोगों का फेवरेट जगह है गाइज। तो गाइज अभी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी परेशानी हो, डायरेक्टली कमेंट करो। अगर वहाँ पे नहीं है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाओ और मुझे डायरेक्टली मैसेज करो आप, मैं आप रिप्लाई करूँगा आपको, हर एक का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन आ रही है उसका आंसर भी दे रहा हूँ। और आप लोग यार ज़्यादा रूमर्स फैलाने या दूसरे को जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट बताते हैं ना, उस पर ध्यान मत दो भाई, वो लोग खुद नहीं लगाए हैं बाइक में। आपको लगाना है तो मुझे मैसेज करो डायरेक्टली, इंस्टाग्राम में कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो मिलते हैं ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।